ओह माय गॉड, तो सुजीत भैया अभी इस मौके पे इसकी ट्राई कर रहे हैं। सुजीत भैया कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बता दीजिए। ओह माय गॉड, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट बाइक दो दो खा दो तो पूरे स्टीम इंजन दिख रहा है। मतलब सिगरेट का भी बाप लग रहा है ये तो। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब, आप देख रहे हैं आप अपना चैनल रांची ब्लॉगर शिवांग गडियार। गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का प्यारा होस्ट शिवांग किट्टू। तो बेसिकली मैं और मेरा एक दोस्त आज जा रहे हैं हम लोग एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट फूड ट्राई करने, जो कि रांची में नया ही है, काफी कम लोगों को पता है। तो काफी दिनों से हमारा प्लान था और हमारा प्लान हर दिन डिले हो रहा था पिछले 10 दिनों से, तो आज फाइनली जाके प्लान बना है। अभी बज रहे हैं शाम के 5, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज मेरा हाथ में फोन नहीं है और मैं जस्ट अभी नहाया हूँ बिकॉज व्लॉग्स बनाने थे ना यार, व्लॉग्स इतने दिन से व्लॉग्स नहीं आते। एंड पिछले एक महीने से मेरा चैनल उथल फुथल चल रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, यहाँ तक कि मैंने चैनल भी किसी को दे दिया था, मतलब यूट्यूब छोड़ने का मन कर रहा था। एंड अपने ये जो कैमरा है एक्शन कैमरा, इसे भी मैंने बेचने का फैसला ले लिया था, यहाँ तक कि ग्राहक भी मुझे मिल गया था। एंड चैनल तो ऑलमोस्ट मैंने किसी को दे दिया था, अपने सब्सक्राइबर को ही दिया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उसके पास मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो सका। हालांकि मैंने उसे पासवर्ड वासवर्ड सब चीज़ दे दिया था, लेकिन कुछ और मैंने सिक्योरिटी लगा रखा जो कि होता है 2-स्टेप वेरिफिकेशन जैसा कि सिस्टम होता है, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो सडनली फिर से हमने फैसला किया कि नहीं, यूट्यूब नहीं छोड़ना बिकॉज हम लोग 1K के काफ़ी ज़्यादा करीब है। एंड तो सपोर्ट करो यार। तो चलो यार, ज्यादा देर ना करते हुए नंगा पोंगा बंधन को कपड़ा से ढकते हैं और फटाफट से अपने दोस्त के घर चलते हैं। 20 minutes later. तो अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग आ पहुंचे हैं, जैसा कि देख सकते हो ये लिखा टर्किश टी एंड कॉफी बाय मिस्टर स्मॉकी। तो भैया यहाँ पे मिस्टर स्मॉकी कौन है, आप है? तो यही भैया मिस्टर स्मॉकी है। तो आज हम लोग इन्हीं के स्टॉल को पूरा देखेंगे, इनके यहाँ काफी यूनिक थिंग्स मिलती है जो कि पूरे रांची में और मेरे को लगता है पूरे झारखंड में नहीं मिलती है। तो भैया बेसिकली आपके दुकान में क्या क्या मिलता है, मतलब इस स्टॉल में क्या क्या अलग मिलता है? बिस्किट है, पान है, अच्छा है, चिकबॉल है, ओह माय गॉड, चाय है, कॉफी है, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ मिलता है जो काफ़ी पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो सारा चीज़ धीरे धीरे ट्राई करेंगे एंड वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो यहाँ अभी हम लोगों ने हाइड एंड सिक्स बिस्किट का, इसको क्या बोलते भैया वैसे जो ये बना रहे हैं आप, इसको क्या बोलते बिस्किट है, स्मोक बिस्किट, लिक्विड नाइट्रोजन बिस्किट ही बोल सकते हैं, नाइट्रोजन बिस्किट यहाँ पे तैयार हो रहा है। हम लोगों ने हाइड एंड सिक का बोला है, यहाँ पे अलग अलग बिस्किट का अलग अलग बनता है, जैसा कि यहाँ पे बर्बन है, ट्राई कर सकते हैं, पान में बहुत मजा आता है। पान तो पहले बिस्किट ट्राई कर लेते, इसके बाद पान भी ट्राई कर लेंगे। तो अभी प्रियांश भाई ट्राई करेंगे, तो ब्रो ट्राई करो और बताओ कैसा है, बता बताओ जल्दी से। ये स्मोक पान और छोड़ो धुआं, अच्छा सा वो कैसा लग रहा, ओ उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो, ओहो काफी मस्त दिख रहा है, अच्छा है, कैसा लगा? ठंडा ठंडा लग रहा, खाने में बहुत अच्छा लग रहा, मजा आ रहा। अरे वाह, एक्चुअली में ये जो है ना काफी ज्यादा चिल्ड है, यानी कि काफी ज्यादा ठंडा है। अब नहीं निकल रहा, क्रैक कीजिए।
इसमें क्या कहते हैं, मतलब जल्दी खाना रहता है ना, तो मतलब जैसा कि भैया बता रहे कि मतलब जैसे आपको बिस्किट मिला तो आपको काफ़ी जल्दी जल्दी खाना रहता है ताकि स्मोक ख़त्म ना हो। स्मोक तभी निकलता है एंड अगर आप लेट करें तो सारा स्मोक ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली अभी थोड़ा थोड़ा स्मोक निकल रहा है, थोड़ा ही थोड़ा, काफ़ी जल्दी अगर आप नहीं खाओगे तो स्मोक सारा ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल आप सिर्फ बिस्किट का मजा ले रहे हो। तो अभी क्या बन रहा है भैया? चीज बॉल। ये क्या है एक्चुअली? ये क्या चीज है? क्या तो अभी ये वाला हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ये है चीज बॉल। चीज बॉल और बर्बन, ये बर्बन बोलते हैं। चीज बॉल पॉप। तो अभी आप लोग फास्ट में खाइए, हम लोग बोल के क्रैक कीजिए, एक बार में दो डालिए, जल्दी जल्दी डालो ब्रो, डालो ब्रो, तुम ही डालो। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें से स्मोक निकल रहा है। दो, ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट बाइक, दो दो खा, दो दो खा, दो दो खा, दो तो पूरे स्टीम इंजन दिख रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ बॉल का स्मोक काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। मतलब बिस्किट यहाँ का फेमस था, बट चीज़ बॉल में काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकला। और जैसा भैया ने बोला था जाके एक बार में सामान लेगा ज़्यादा ही निकलेगा, एंड लास्ट पीस भी मैं खा के दिखाता हूँ उसको। मतलब सिगरेट का भी बाप लग रहा है ये तो। सिगरेट में भी इतना धुआं नहीं निकलता। तो अभी हम लोग स्मोक हाइड एंड सीक बिस्किट भी ट्राई किए, और साथ ही भैया वो कौन सा था चीज़ बॉल स्मोक वाला। एंड अभी यहाँ पे बनता है टर्किश कॉफ़ी एंड चाय, तो ये स्पेशली बालू से बनाया जाता है। ये बालू पूरा गर्म है। क्या बना रहे हैं? कॉफी की चाय बना रहे हैं। कॉफी बन रही है। कॉफी बन रहा। किसका बना रहे हैं? कॉफी। हाँ कॉफी। तो कॉफी का क्या प्राइस है? 20 का कप। अच्छा, तो बनाइए दो कप। दो कप या थोड़ा चॉकलेटी बनाइएगा, थोड़ा आप थोड़ा ऐसा बनाइएगा ताकि हम लोग अगर किसी को रिव्यू दे तो ताकि वो चल के आए आपके पास। फिर कॉफ़ी बनकर रेडी, पहला शिप मिल गया। तो ये बेसिकली कुल्हड़ में मिला है हमें। बताओ कैसा है? कैसा लगा? मजा आ गया। तो बालू कैसा भैया? एकदम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और एकदम। हाँ ये बताएगा कि हम पी के लास्ट बताएं। हाँ लास्ट में अभी गर्म है ना, और एक्चुअली हमको मिला भी ऊपर से नहीं, वो नहीं डालते क्या सिरप? चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप भैया इसमें ठहरता नहीं है एक्चुअली ना, छोटा सा। तो अभी फिलहाल मैं भी पी रहा हूँ टर्किश कॉफ़ी, एंड इसमें मिलाया गया थोड़ा सा वेनिला फ्लेवर। तो काफ़ी अच्छा, मतलब वेनिला फ्लेवर का इसमें जो है ना स्वाद आ रहा है, टेस्ट जो बोलते हैं ना, वेनिला वेनिला पूरा हो रहा है, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है मतलब कॉफ़ी नहीं, आइसक्रीम वगैरह खा रहा वैसा लग रहा। सेकेंड बात, कुल्हड़ में मिला, कुल्हड़ में। A few moments later. तो अभी हमारे साथ मौजूद है इस मिस्टर स्मोकी स्टॉल के ऑनर। तो भैया बताइए अब मेरे ऑडियंस को कि आपके पास क्या क्या मिलता है, थोड़ा प्राइस और अपना एड्रेस सब चीज़ थोड़ा बता दीजिए डिटेल के साथ। जी जी, मेरा नाम सूरज कुमार है। ठीक है भैया, मैं लोहर दगा का रहने वाला हूँ। अच्छा, और ये कॉन्सेप्ट दिल्ली बेंगलोर से आया हुआ है। अच्छा, तो इससे पहले मतलब ये सब दिल्ली और बेंगलोर में था? यस यस। उसके बाद अभी हमारे पास में हेडिसन का स्मोक बिस्किट है। अच्छा,
ओरियो का है, बर्बन है, अच्छा चीज बॉल है और स्मोक का पान भी है। स्मोक का पान भी मिलता है? जी हाँ, स्मोक का पान तो हम लोग ट्राई नहीं किए, पर जो भी आएगा तो ट्राई कर सकता है। और जैसे स्मोक का पान जो होता है तो उसमें मतलब जैसे क्या, जैसे वो बाहर में पान मिलता है उस टाइप का पान मिलता नहीं, है वो अलग ही पान बनता है, वो मीठा का पान बनता है। मीठा पान बनता है। और क्या भैया, जैसे हम लोग ये कॉफी की क्या ट्राई किए तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। वो भी बाहर का ही, उसको भी दिल्ली से लाया गया है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट दिल्ली का है। अच्छा, और तो पहली बार रांची में मोरहाबादी गेट नंबर 3 के पास में स्टार्टिंग की। तो भैया का एड्रेस रांची मोरहाबादी ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम गेट नंबर 3 के जस्ट बगल में भैया लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्मोकी पान और टर्किश चाय एंड कॉफ़ी एंड स्मोकी बिस्किट्स मिल जाएगा, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे हमारा प्लान क्या है। 12 seconds later. दीदी एक मिनट के बाद बताएं। ओह माय गॉड, तो सुदीप भैया अभी स्मोकी बिस्किट ट्राई कर रहे हैं। सुदीप भैया कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बता दीजिए। एक्चुअली इससे मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, ये मैं वियतनाम में खाता था ऑलरेडी। अच्छा, वहाँ पे वो पॉपकॉर्न में डाल के देते थे, जैसे ही उन्होंने डाले अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें से ये स्मोक निकलता था। अच्छा, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता था। और इसी तरह ये भी है बिस्किट, लेकिन रियली इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, आई लाइक इट। इससे कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं कर रहा और ये बहुत खाने में कूल भी है। आप लोग मोरहाबादी आइए और जरूर से ट्राई कीजिए। और सबसे अच्छा ये, जैसे कि आप वियतनाम में नागपुरी और झारखंड को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ का चीज रांची और झारखंड में आया तो कैसा लग रहा है, एक बार ये चीज़ हमको बता दीजिए। मैं तो ऑलरेडी रांची का ही हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ। हाँ, जैसे ये धुआं वाला बिस्किट, कुल्हड़ वाला चाय जो मैं ऑलरेडी पिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। रियली रांची बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है और आई रियली लाइक रांची, आई लव रांची एक्चुअली। आई लव यू टू भैया, कैसा लग रहा है बता दीजिए तो थोड़ा सा। बहुत मज़ा आ रहा है, मजा आ रहा लग रहा है, कूल। धुआं उड़ाने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इससे पहले सिगरेट ट्राई किए हैं? ऐसा तो ट्राई नहीं किए। तो जैसे सिगरेट ट्राई नहीं किए हैं एंड इसको देख के क्या लग रहा है कि किसमें ज्यादा धुआं निकलता है, सिगरेट में? दूसरा को तो पीते हुए जरूर देखे होंगे। बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है हमको तो। ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये ज्यादा लग रहा है, सिगरेट का बाप है ये। तो काफी अच्छा लगा, मतलब सुजीत लेंडा भैया मिल गए, मतलब रांची नागपुरी के सुपरस्टार, मतलब काफी चर्चित चेहरा। तो अभी हाल में इनका मीटअप था तो मैं मीटअप कवर नहीं कर पाया था, लेकिन उनसे रिव्यू लेना काफी अच्छा लगा। तो चलिए यार अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सुजीत भैया देख रहे हो ना, रिव्यू दे रहे हैं, काफी मस्त दिखते हैं। तो चलिए यार अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।